हेलो एज, एज यू आर सीइंग दैट मैंने पहले कार्ड शफल कर लिए हैं, कार्ड स्प्रेड भी कर दिए हैं आपके लिए। एरीज की आपकी दिसंबर के सेकेंड वीक की एनर्जी है 7 to 13 दिसंबर। और मैं आपको वन बाय वन जो है हर कार्ड के बारे में बताती रहूँगी, हर पाइल के बारे में। पहले आपको हेरफोंट के अंडरनीथ द डेक भी आपका एम्परर है, और आपको मैं पहले हेरफोंट और ये एट ऑफ कप्स के बारे में हवाले से बताती हूँ कि हेरफोंट यहाँ पे आपकी कोई मैरिज सिचुएशन है, कोई है जो अपनी मैरिज से वॉक आउट करना चाहता है। यानी अगर किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है आप अपने पार्टनर के साथ, या वो इंगेजमेंट भी हो सकती है, मैरिज लाइफ भी हो सकती है, या फिर अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं और आपने अपने पार्टनर से मैरिज प्रॉमिसेस किए हुए हैं, तो आप या तो उन मैरिज प्रॉमिसेस से दूर होना चाहते हैं, मतलब आप उन मैरिज प्रॉमिसेस से अपने आप को थोड़ा बहुत डिटैच करना चाहते हैं, या फिर आप अभी रेडी नहीं हैं मैरिज कमिटमेंट के लिए, या फिर कोई है जो अपनी मैरिड, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आप बहुत इमोशनली डिटैच हैं अपने मैरिड पार्टनर के पार्टनर से। तो यहाँ पर कोई इमोशनली ड्रेन काइंड ऑफ सिचुएशन चल रही है आपके पार्टनर के साथ, या फिर आपके पार्टनर जो है वो कमिटमेंट चाहते हैं लेकिन अभी वो डिटैच हैं इस प्रॉमिस से जो उन्होंने आपसे किया हुआ था। लेकिन अब वो हो सकता है पहले किसी ने आपसे मैरिज कमिटमेंट का प्रॉमिस किया हो, लेकिन उसके बाद अब आपको ऐसा लगता है कि वो उससे भागने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। ये एनर्जी होंगी जब आप वीक में एंटर होने से पहले की एनर्जीज हो सकती हैं। जब आप एंटर हो चुके होंगे वीक में तो आपकी एनर्जीज होंगी कि आप कोई प्लेयर है, कोई प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी जो आपको लगता है कि वो आपके पार्टनर जो है वो जो कमिटमेंट है वो उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है वो आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कोई प्लेयर हैं जो बस आप खेल रहे हैं, आपकी फीलिंग से खेल रहे हैं लेकिन कमिटमेंट ऑफ को पूरा नहीं कर रहे। और अगर आपके आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो बहुत इमेच्योरिटी मैरिड लाइफ को बहुत इमेच्योरिटी से डील कर रहे हैं, और वो उनके अंदर वो मेच्योरिटी नहीं है जो एक मैरिड लाइफ को आगे लेके बढ़ने की लिए ज़रूरी होती है। या फिर अगर आपके पार्टनर पहले कमिटमेंट से भाग रहे थे तो अब आपको लगता है कि इस इमेच्योरिटी से, जो इमेच्योरिटी अगर आपके पार्टनर, अगर आप मैरिड भी हैं या फिर आपकी लव रिलेशनशिप में हैं, तो उस इमेच्योरिटी से आप निकल जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, और एक स्मूथ आपका रिलेशनशिप स्मूथ वे में चलना शुरू हो जाएगा। या फिर आप अपने माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश करेंगे इस पर्सन की इमेच्योरिटी जो भी है, अगर वो इस रिलेशनशिप को सही तरह से डील नहीं कर पा रहे, तो आप उसको सही से डील करने की कोशिश करेंगे, या फिर आप इस प्लेयर काइंड ऑफ इनर पर्सन से दूर होंगे और अपने आप को सेफ एंड सिक्योर कर लेंगे। अगर कोई नया पर्सन है जो कि आपको प्लेयर लग रहा है, अगर आप टोटली सिंगल हैं, तो वो कोई नया पर्सन अगर आपकी लाइफ में आना चाहता है तो आप वो आपको प्लेयर, आपको उस पर जल्दी भरोसा नहीं होगा, और आप अपने आप को उससे डिटैच करने की कोशिश करेंगे। आपके करंट में है किंग ऑफ वंड, आपकी एनर्जीज भी हो सकती है, अंडरनीथ द डेक यू आर हैविंग एम्परर, तो ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है। आप बहुत अपनी लाइफ में अथॉरिटी है आपके हाथ में, आप अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लेंगे वो सोच समझ के लेंगे, या फिर अगर आप मैरिज पार्टनर से डील कर रहे हैं तो वो एक एम्परर के तौर पर आपसे डील कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आपको लगती है, या फिर आप सिर्फ डिसअपॉइंटेड हैं यहाँ।
डिसअपॉइंटमेंट आपको ज़्यादा है। अगर थिंग ऑफ मॉर्निंग आपकी भी एनर्जीज हो सकती हैं कि आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, आपकी तरह की कोई फायर साइन हो, एरीज हो, सजिटेरियस, या फिर आपकी एनर्जीज हो सकती हैं। यहाँ पे भी मैं आपको बहुत ज़्यादा मेच्योर देख रही हूँ और आपके पर्सन को इमेच्योर देख रही हूँ, क्योंकि आप जो है फुली अवेयर हैं कि आपको क्या चाहिए अपने लव रिलेशनशिप में, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो उस तरह से डील नहीं कर रहे सिचुएशन को जिस तरह से आप डील करना चाहते हैं। आप पूरी तरह से सिंसियर हैं लेकिन आपके पार्टनर आपके साथ सिंसियर नहीं है। तो या फिर हो सकता है आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई न्यूज़ मिले, हो सकता है पहले वो ना मैरिज कमिटमेंट करना चाह रहे हो लेकिन अब आप जो है वो इस इमेजोरिटी से अपने आप को निकाल चुके हों और एक डिसीजन उन्होंने बना लिया हो और वो आपको मैसेजेस कर रही हों कि वो रेडी हैं, फुली अवेयर हैं आपके साथ कमिटमेंट के लिए। सो आपके क्राउन में क्राउनिंग योर रीडिंग है एट ऑफ सोर्स एंड हेरोफोंट अगेन। तो एट ऑफ सोर्स भी की एनर्जी होती है कि आप जो सोच रहे होते हैं वैसा होता नहीं है, आप अपने मैरिड पार्टनर के बारे में जो भी सोच रहे हैं वो नहीं, वो बात नहीं है। अगर वो इमेच्योरिटी से डील भी करते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इसके लिए सीरियस नहीं है, लेकिन आपको ये थॉट्स अपने माइंड से निकालनी होगी। अगर आप इन थॉट्स को अपने माइंड से निकाल देंगे, इस नेगेटिव थिंकिंग से जो कि आपने अपने मैरिड पार्टनर या जो भी आपके पार्टनर हैं उनके हवाले से बनाए हैं, अगर आप इनको अपने जहन से निकाल सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी आपकी मैरिड लाइफ के लिए या जो भी आपकी रिलेशनशिप है उसके लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी। आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा सोच समझ के पैसा करना होगा, जो कि मैं देख रही हूँ कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही सोच समझ के पैसा करने के लिए रेडी हैं। और आप एस ऑफ कप, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पे कि एस ऑफ कप को क्लियरफाई भी एस ऑफ कप ही कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे डेफिनेटली लग गया कि एक नई बिगनिंग जो है वो ज़रूर है आपकी लव लाइफ में। न्यू इमोशन जो है वो बिल्ड होंगे आप लोगों के लिए एक दूसरे के लिए, और आप दोनों एक म्यूचुअल कोलैबोरेशन से एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप करने पे तैयार हो जाएंगे, जो कि आप दोनों एक सेम पेज पे आते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर ये आपके पार्टनर का लव है तो आपका लव भी बिल्कुल उनके लिए सेम है, और दोनों आप दोनों एक सेम पेज पे मुझे नज़र आ रहे हैं सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में। सो एरीज़ आपकी एनर्जीज थी सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर के लिए। इफ इट्स रेजोनेट्स यू प्लीज़ लेट मी कन्फर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप इट्स रेजोनेट्स यू।